तो ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनका क्षोभशम पाया जाता है। यानी क्या होता है, ये जो सर्वघाती प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, जब उदय में आता है, हमने देखा ना निषेक रचना होती है, जो उदय रूप निषेक है उसमें जब आती है, उसका भी उदय का काल जब आता है, तो देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आती है, उसका अनुभाग हीन होकर देशघाती रूप से उदय में आती है, सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आती। तो वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आना, उसी को कहते हैं उदयाभावी क्षय। खिर तो जा रही है, परमाणु का उदय तो होगा क्योंकि उसका काल पूरा हुआ है, परंतु उदय में आते आते वो देशघाती रूप होकर उदय में आती है। सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे, तो उसी को कहते हैं वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। स्पर्धकों का कहा, प्रकृति का नहीं। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। दूसरी कंडीशन क्या बताई, वो सत्ता में तो पड़े हैं, तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का यानी सर्वघाती का, सत्ता में रहना उदय में नहीं आना, उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। उदय तो किसी का चलेगा, तो कहते हैं देशघाती स्पर्धकों का उदय, उसको कहेंगे क्षोपशम। तो जब हम कहते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, ये चार ज्ञान कैसे है, तो क्षोपशमी ज्ञान। तो उसमें क्या हो रहा है, जब वो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो सबके हैं, उनके क्या पोजीशन हो रही है, सर्वघाती का उदय नहीं हो रहा है, सत्ता में तो है, हमेशा उदय किस रूप से होगा, तो देशघाती रूप से होगा, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान चलते रहेगा। आप कहेंगे अवधि ज्ञानावरण भी तो देशघाती प्रकृति है, उसमें भी सर्वघाती स्पर्धक है और देशघाती स्पर्धक है। आपको अवधि ज्ञान है बेन, होगा तो भी बताना नहीं, लाइन लग जाएगी। हाँ, तो अवधि ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ क्या है, अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है अभी वर्तमान में, और जिनको अवधि ज्ञान है उनकी क्या बात हो रही है, उनके वो देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं, उसका क्षोभशम हो रहा है, हमको ज्ञान हो रहा है, हमारा ज्ञान क्षोभशमिक है। और केवल ज्ञानी कैसे है, क्षायिक ज्ञानी है। किसका क्षय हुआ, उनके अकेले केवल ज्ञानावरण का हुआ ना, इसलिए केवल ज्ञान हो गया, उनके तो पांचों ज्ञानावरण का क्षय हो जाएगा तब केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञानावरण का उदय हमारे मति ज्ञान को नहीं रोकता, परंतु मति ज्ञानावरण का उदय हुआ और केवल ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं बन सकता। परंतु हमारा आपका मति ज्ञान चल रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमारे जो सर्वघाती स्पर्धक है कौन से, शैल अस्थि और दारु बहुभाग वाले, उनका अभी अपने स्वयं के रूप से सर्वघाती रूप से उदय नहीं हो रहा, तो किस रूप से उदय हो रहा है, देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे हैं, इसलिए हम उसको कहेंगे इसका क्षोभशम चल रहा है। तो कर्मों का क्षोभशम हो रहा है, इसलिए हम क्षय मति ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, कर्मों के क्षोभशम से नहीं हो रहा है। जब हम मति ज्ञान रूप से परिणमित हो रहे हैं, तो वहाँ सामने उनकी अपनी योग्यता से क्षोभशम अवस्था पाई जाती है। ये ज्ञान कराने के लिए उस ज्ञान को यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञान कहने में आता है, परंतु वो कुछ कर्मों का कार्य नहीं है। ज्ञान की जो कोई अवस्था है वो हमारी अपनी है, अपने स्वभाव का वो अंश है। कर्मों की अवस्था कर्मों में उसके अपने कारण होती है। ये इसको जो क्षायोपशमी ज्ञान हो या क्षायिक ज्ञान हो, कर्म का क्षय हुआ इसलिए तो केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने शास्त्र में पढ़ा है घाती कर्मों का नाश हुआ तो केवल ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कर्म को केवल ज्ञान को रोका था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ केवल ज्ञान नहीं है पर्याय में प्रकट, वहाँ इनका ऐसा उदय पाया जाता है।